शुरू करते हैं। अराउंड द क्लॉक, अब क्लॉक मतलब घड़ी के, मतलब दिन भर घड़ी देख रहा है वो, ठीक है, घड़ी देखे जा रहा है दिन भर, ठीक। तो क्या हुआ कि किसी का इंतजार कर रहा है, फिर कोई बेचैनी है उसे, तो पूरी समय मतलब 2400 घंटे जो है ना घड़ी को ही देखता रहा, अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों तरफ जो है ना घूमता रहा दिन भर, ठीक, दिन भर घड़ी को ही देखता रहा। तो क्या बोलेंगे उसे, 2400 घंटे, 2400 घंटे इसको बोलेंगे, अराउंड द क्लॉक 2400 घंटे, एरो इन द क्विवर, रणनीति या फिर ऐसा विकल्प जो हासिल करा दे, लक्ष्य हासिल करा दे, ठीक है। एरो, अब कोई बोला कि भाई तीर मारो, अब उसने एकदम क्विवर मतलब कि एकदम निशाने पर तीर मारा, ठीक, तो उसने अपने लक्ष्य को पा लिया, ठीक है, उसका लक्ष्य था कि उस निशाने पर तीर मारना। तो उसी तरह एरो मतलब क्या हुआ, ऐसी रणनीति उसने बनाया जो उसका लक्ष्य जो है से ना हासिल करवा दिया। तो एरो मतलब क्या हुआ कि रणनीति, क्विवर मतलब लक्ष्य, तो एरो इन द क्विवर, एरो मारा क्विवे पर, एकदम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब ऐसी रणनीति उसने बनाया कि उसको जो है ना वो लक्ष्य मिल गया, वो रणनीति बहुत ही अच्छा था तो उसका लक्ष्य मिल गया। तो इस तरह से सेंस आ सकता है कि एरो इन द क्विवर का मतलब रणनीति, या रणनीति या फिर ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे, ठीक है। एज डाफ्ट एज ए ब्रश, एकदम मूर्ख, एज डाफ्ट एज ए ब्रश, एकदम मूर्ख, ठीक है। एज डाफ्ट, डाफ्ट मतलब हो गया मूर्ख, आप देखना डिक्शनरी में डाफ्ट मतलब मूर्ख होता है, एज डाफ्ट एज ए ब्रश मतलब कि मूर्ख, एकदम मूर्ख, ठीक, डाफ्ट मूर्ख, मूर्ख वाला सेंस आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखना, मूर्ख वाला जो भी हो टिक मार देना आप। एज द क्रो फ्लाइज, ठीक, एकदम सीधी रेखा में, क्रो क्या होता है, कौवा, एक सीधी रेखा में जाता है, ये नहीं कि सांप की तरह बंदर की तरह चलते रहता है, ठीक है, इधर से उधर, एकदम सीधी रेखा में अपने घोंसले की तरफ लौटता है रात में, मतलब तो शाम में सॉरी, और कहीं जाता भी है तो एकदम एकदम सीधी रेखा में जाता है। तो एज द क्रो फ्लाइज, एकदम सीधी रेखा में, जैसे क्रो फ्लाई करता है वैसे तुम भी चलो, एकदम सीधी रेखा में चलो, एकदम सीधी रेखा में तुम भी जाओ। एट ए लॉस, पूरी तरह कन्फ्यूज, लॉस, लॉस वर्ड आता है कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है, एट ए लॉस। अब अगर आपको एट सी भी एक होता है, ठीक है, तो सी में छोड़ दिया, ठीक, तो उसके लिए भी आता है कन्फ्यूज, एट सी, तो सी में आपको छोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, आप रास्ता भटक गए, आप लॉस कर गए रास्ता। तो सी में भी आप कन्फ्यूज हो जाते, बीच समुंदर में आपको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपको किधर जाना आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो आप दिशा का निर्धारण ही नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या हो गया, रास्ता भटक गए, ठीक है, लॉस कर गए, आपका दिमाग भी एकदम वो हो गया, थक गया कि भाई अब क्या होगा, पूरी तरह से आप कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक और आता है, एक और आता है कन्फ्यूजन के लिए, ये देखिए, एट वंस विट्स एंड, विट्स एंड, ठीक, एट वंस विट्स एंड, पूरी तरह कन्फ्यूज, ठीक है, विट्स एंड, इसका भी आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन इसका एट वंस विट्स एंड, एक जगह मैंने देखा था विट्स का मतलब जो है ना बुद्धि से था, ठीक है, विट्स बुद्धि से था, तो विट्स मतलब बुद्धि, तो एट वंस विट्स एंड यानी किसी का बुद्धि जो है ना एंड हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो क्या हो गया, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। विट्स क्या हो गया, लॉस हो गया, तो भी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, और सी में छोड़ दिया एट सी, तो भी कंफ्यूज हो गया, मतलब ये तीन जो है ना, एट वंस विट्स एंड और एक एट सी आता है इसमें, नहीं, अच्छा हाँ है, कंफ्यूज सॉरी, एट सी, ठीक है, एट सी कंफ्यूज, ठीक है, देख रहे हैं, एट सी कंफ्यूज और एट ए लॉस, तो ये भी क्या हो गया, पूरी तरह से कंफ्यूज, कंफ्यूजन के लिए क्या हो गया, लॉस आ गया, एट सी आ गया और एट विट्स एंड हो गया, पूरी तरह कंफ्यूज, तो ये तीनों जो है ना कंफ्यूजन के लिए आता है, आप समझ गया, लॉस हो गया, विट्स लॉस हो गया तभी कंफ्यूज होगा, विट्स एंड हो गया तभी कंफ्यूज होगा, और एट सी, सी में छोड़ दिया तभी कंफ्यूज हो गया कि भाई सी में छोड़ दिया, अब रास्ता मालूम नहीं चला, कंफ्यूज हो गया वो। अब आगे चलते हैं, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, बहुत नज़दीक, जैसे आपने स्टोन फेंका और वो चला गया, मतलब कि स्टोन थ्रो मतलब जितना दूर आप स्टोन फेंके, तो क्या हुआ, स्टोन फेंके तो वो बहुत ही नज़दीक में गिरा,
तो इतना ही दूरी पर किसी का अगर आप जगह है, ठीक है, मतलब किसी का घर है, तो आप क्या बोलेंगे, एट ए सोंद्रो, जितना तुम स्टोन फेंकोगे उतना ही दूरी पे मेरा दोस्त का घर है, तो एट ए स्टोन थ्रो, मान कि बहुत नज़दीक, ठीक। अगर आपको किसी को एड्रेस देना है, कहाँ पे है यार वो, अरे एट ए स्टोन थ्रो, यानी कि बहुत नज़दीक में है वो, एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर, परहेज करने के उद्देश्य से, ठीक है, अपने से दूर करना, एट आर्म्स लेंथ, ए दूर रह, ए मेरे हाथों से दूर रह, ठीक है, आप थोड़े से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, एट आर्म्स लेंथ दूरी बना के रखते हैं, पास भी आता है, अरे दूर रह, ठीक है, आप बोलते हैं अरे दूर रह, दूर रह, ठीक है, दूर रहो, तो इसी को बोलते हैं क्या, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है।